जेएनयू हिंसा मामले में दिल्ली पुलिस ने एक और एफआईआर दर्ज की है। दिल्ली पुलिस ने 4 जनवरी को जेएनयू में सुरक्षा गार्डों से मारपीट और सर्वर रूम में तोड़फोड़ मामले में 20 लोगों के खिलाफ केस दर्ज किया है। इस लिस्ट में जेएनयू छात्र संघ की अध्यक्ष आयशी घोष का नाम भी शामिल है। तो आपको बता दें, रविवार के दिन जो हिंसा हुई थी उससे पहले भी सर्वर रूम में मारपीट की गई थी, तोड़फोड़ की गई थी, जो वहां सुरक्षाकर्मी तैनात थे उनके साथ मारपीट की गई थी। उस मामले में एक और एफआईआर दर्ज की गई है और 20 लोगों के खिलाफ दरअसल ये पूरी एफआईआर दर्ज हुई है, जिसमें आयशी घोष जो फिलहाल घायल हुई है, रविवार के दिन नकाबपोश बदमाशों ने जो हमला बोला था उसमें उनके खिलाफ भी एफआईआर दर्ज की गई है। माना यह जा रहा है कि सर्वर रूम में सुरक्षाकर्मियों के साथ मारपीट और सर्वर रूम में जो तोड़फोड़ हुई उसके पीछे लीड करने वाली आयशी घोष ही थी और पीछे बहुत से लोग थे, छात्र थे, वो भी नकाबपोश थे जिन्होंने तोड़फोड़ की थी। तो ये कार के शीशे आप देख सकते हैं, कार में तोड़फोड़ और ये सर्वर रूम है शायद जहां तोड़फोड़ की गई थी। बल्ले इनके हाथ में भी थे। तो लगातार बहुत कुछ चल रहा है जेएनयू में। हालांकि रविवार के दिन जो नकाबपोश अंदर घुसे थे 30 से 40 उनकी तादाद बताई जा रही है और यह कहा जा रहा है कि उन्होंने लाठी डंडों से, लोहे की रोड से, हैमर से वार किया, ना सिर्फ छात्रों पर बल्कि फैकल्टी पर भी। और उसके बाद सभी को एम्स अस्पताल में भर्ती करवाना पड़ा था, जहां इलाज के बाद उन्हें छुट्टी दे दी गई। और ये भी आपको बता दें कि ये घटना जो है ये पहले की घटना है। दरअसल रविवार के दिन जो घटना हुई उससे पहले की घटना, जिसमें सर्वर रूम में तोड़फोड़ की गई थी, जिसमें नामजद किया गया है आयशी घोष को, जो कि घायल है।